डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। ये है डिकोडर और एनकोडर से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं। आपको जनरल आइडिया होना चाहिए और ज़्यादा डीप तो जाने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको जनरल कॉन्सेप्ट होना चाहिए उनके MCQs को रिस्पॉन्ड करने के लिए। बस हम इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। डिकोडर और इनकोडर जो हैं ये अक्सर इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट्स में खासे यूज़ होते हैं तकरीबन, और खासी वाइड इसकी एप्लीकेशन है। और डिकोडर जो है, देखिए ये हमारे सामने इसका एक ब्लॉक डायग्राम मौजूद है हमारे सामने, जो कि कुछ इनपुट्स ले रही है, कुछ आउटपुट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है ये सर्किट। तो इसमें ए और बी ये इनपुट ले रहा है, जबकि राइट साइड पर आपका 4 आउटपुट्स हैं। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आप 2 इनपुट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सपोज n इनपुट्स लेते हैं आप, तो फिर ये राइट साइड पर 2 की पावर n आपको आउटपुट्स प्रोवाइड करेगा। अगर सपोज़ ये n मैं 3 कर देता हूँ तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा राइट साइड पे, और 8 जो है आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। उसको फिर हम बाइनरी टू ऑक्टा भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 इनपुट्स होगी लेफ्ट साइड पर, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आपको ऑक्टा का एक कोड देगा वो, जो कि 8 लाइंस या 8 सिग्नल्स आप कह लें 8, ठीक है। तो वो इस तरह से है ये राइट। इसकी ज़रा हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। अ डिकोडर इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कन्वर्ट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम n इनपुट लाइंस टू मैक्सिमम ऑफ 2 पावर n यूनिक आउटपुट लाइंस। यानी आपके पास कुछ इनपुट्स देते हैं, n इनपुट लाइंस होंगी, जबकि राइट साइड पर आपके पास जो है आउटपुट वो 2 की पावर n में होगी। अब इसकी बड़ी सिंपल सी एक एग्जांपल है नॉट गेट की, आप ले लें। फॉर एग्जांपल नॉट गेट में आप एक इनपुट देते हैं, जबकि राइट साइड पर वो आपकी एक 2 बिट्स आ सकती हैं, 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। तो ये भी एक तरह का वन, इसे आप कह सकते हैं जो कि 1-2-2 बाइनरी डिकोडर है एक तरह का। लेकिन जो इसकी टिपिकल एग्जाम्पल है वो हम आगे ज़रा देखते हैं। ये तो जस्ट एक उन्होंने एनालॉजी के तौर पर बता दिया, लेकिन इसको हम डिकोडर नहीं कहते ऐसा, ये तो नॉट गेट है सिंपल, इस कॉम्प्लीमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। देखिए यहाँ पर ज़रा फर्दर थोड़ा सा इन्हें एक्सप्लेन किया। इफ़ अ बाइनरी डिकोडर रिसीव्स एन इनपुट्स, इट एक्टिवेट्स ऑन वन एंड ओनली वन ऑफ इट्स 2^n आउटपुट्स बेस्ड ऑन दैट इनपुट। आप देखें जो भी इनपुट देते हैं ना लेफ्ट साइड पर, अब सपोज आपके पास 2 बिट्स अगर आप लेफ्ट साइड पर दे रहे हैं, ठीक है, आप 2 बिट्स का कोड अगर दे रहे हैं, तो ज़ाहिर आपके पास 4 ऑप्शंस होती हैं इसमें, 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ही हो सकता है। तो उसके अगेंस्ट फिर आपके पास, आप इसको अगर 2 की पावर लेंगे 2, तो इसके अगेंस्ट 4 सिग्नल्स आपके पास राइट साइड पर जनरेट हो सकते हैं। लेकिन लेकिन किसी एक इनपुट के अगेंस्ट एक ही सिग्नल जो है वो, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 0 का जिस तरह कोड दे रहे हैं यहाँ पर, तो उसके अगेंस्ट एक ही सिग्नल यहाँ पर जनरेट होगा Q1 का। अगर मैं यहाँ पर 0 0 देता हूँ तो फिर वो Q0 को जो है वो करेगा, ठीक है। यानी कोई एक लाइन ही एक्टिवेट होगी, यहाँ कहने से मुराद ये एक्टिवेशन जो है, यानी जो भी एक कोड होगा आपके पास इनपुट का, तो उसके अगेंस्ट एक ही लाइन एक्टिवेट होगी आउटपुट में, यानी कि सब के सब पर वो सिग्नल जनरेट करेगा। नो, डिकोडर ने डिकोड करना है जो भी इसके पास कोई, इसके पास अगर कोई डिजिट्स आए, सपोज़ कोई भी न्यूमेरिक इंटीजर आया, ठीक है, इसने उसके अगेंस्ट उसको डिकोड करना है। जिस तरह आपने सुना ASCII में आप लोग यूज़ करते हैं ना, जिस तरह कम्युनिकेशन होती है हमारी कीबोर्ड से, आप U प्रेस किया आपने, ठीक है, आपने जैसे U प्रेस किया उसके अगेंस्ट 8 लाइन्स का जो कोड है वो आपका इनकोड हुआ, और फिर वो जो है आपका 3 बिट्स पर आ जाता है वो कोड, और फिर वो ट्रेवल करता है आपकी वायर पर, और फिर दूसरे एंड पर जाकर वो डिकोड होता है। तो आप भी बिल्कुल ये समझ लें, जो दूसरे एंड पर जो हो रहा है ना यहाँ पर, ये रिसीव कर रहा है और फिर ये आपका डिकोड होगा, भाई ये कौन सा वाला है, ये Q0 है या Q1 है या Q2 है। तो मैं इसी को यू कह दूँ अगर, ठीक है, ये जो Q1 है इसको मैं यू कह दूँ, तो ये इस तरह से वो जो है यू तक पहुँच जाएगा। तो इस तरह से आपका जो कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन में इनकोडर और डिकोडर्स का खासा यूज़ है, टेली कम्युनिकेशन में और सर्किट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है। डिकोडर्स आर वाइडली यूज्ड इन स्टोरेज डिवाइसेस, इनकी स्टोरेज डिवाइसेस में भी एप्लीकेशन है, और इसको मल्टीप्लेक्सिंग में जो आप ट्रैफिक सिग्नल्स देखते हैं उनमें भी है। गर्ज ये कि हर तरह की जो है ना इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स में यूज़ हो रहा है। डेटा कंप्रेशन में भी एनकोडर्स यूज़ हो रहे हैं, काउंटर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, काउंटर्स में एनकोडर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जो आप एडर्स बनाते हैं और वो एडिंग काउंट कर रहा होता है। जो भी हमने ब्लॉक डायग्राम देखी है उसके अगेंस्ट ये डायग्राम है जो कि हमारे पास
गेट्स की फॉर्म में, और कॉम्बिनेशनल सर्किट आप यहाँ पर गिवन है एक। तो इसमें ज़रा आप देखें, हमारे पास दो आपको नॉट गेट्स नज़र आ रहे हैं और चार जो है एंड गेट्स नज़र आ रहे हैं। तो इसमें हमारे पास आप अगर कोई सा भी कॉम्बिनेशन देते हैं ए और बी का, तो ये चार आउटपुट्स जो हैं, चार किस्म के आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, मगर एक वक्त में एक ही आउटपुट जनरेट करेगा। ये बात याद रखने वाली, ठीक है। कोई एक ही लाइन एक्टिवेट करेगा राइट साइड पर, ये सब की सब ऑन नहीं कर देगा, यानी कोई एक बल्ब ही ऑन होगा। ए और बी आप जो इनपुट देंगे राइट साइड पर, कोई एक बल्ब ही ऑन होगा जो कि डिकोड हो रहा है। अगर आपने बूलियन अलजेब्रा स्टडी किया तो आप इसको कर सकते हैं। आप कोई सी भी एक अगर सपोज ले लें, सपोज मैं कह देता हूँ जनाब जीरो जीरो कह देता हूँ, ए भी जीरो है मेरे पास और बी भी जीरो है, तो फिर देखें ये जो लाइन है जाकर, ये जो भी इसके सर्किट्स हैं जाकर टर्मिनेट कहाँ पर होंगे, ये क्यू जीरो पर जाकर टर्मिनेट होगा। ए भी जीरो है और बी भी जीरो है, जब वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे जाहिर है वो दोनों जीरो हैं, तो वो जीरो ही आपके पास आउटपुट जनरेट होगी। इस तरह से आपके पास ए भी वन है बी भी वन है, तो ये क्यू थ्री पर जाकर टर्मिनेट होगा, और इस तरह से ए प्राइम बी और ए बी प्राइम बी, इसी तरह से। यहाँ पर एक ट्रुथ टेबल गिवन है आपके पास, इसे हम कहते हैं 2x4 का डिकोडर, यानी टू आपकी इनपुट्स हैं, ये ए और बी आपकी दो इनपुट्स हैं, जबकि फोर आपके पास आउटपुट्स हैं। उसी तरह की डायग्राम है, और इसमें जब आप इसकी ट्रुथ टेबल बाकायदा बनाएंगे तो ये जो है ना वंस का, इस तरह से आपके पास एक डायगनल शेप में आपके पास एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। और ये क्या बता रहा है आपको, बेसिकली ये बता रहा है कि अगर ए भी आपके पास जीरो है, ठीक है, बी भी आपके पास अगर जीरो है, तो फिर आपका क्यू नोट का जो बल्ब है ये ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप ए भी आपने जीरो दिया, बी भी जीरो दिया, तो फिर आपका जो गेट है, दोनों नॉट गेट्स ने उसको हाई कर दिया, दोनों नॉट गेट्स ने उसको हाई कर दिया, और फिर वो जाकर आपका ए प्राइम बी प्राइम पर जो है वो आपका बन रहा है, और इस तरह से आपका वो जो क्यू नोट का बल्ब है वो ऑन हो गया, ठीक है। 1:1 है, गेट में 1:1 ही जनरेट हो रहा है, मगर यहाँ पर आप ए और बी में दोनों को जीरो दे रहे हैं। डिकोडर के आउटपुट हमारे पास चार आउटपुट्स आ रही हैं। एनकोडर, एनकोडर बिल्कुल ओपोजिट है डिकोडर का। वैसे पहले नंबर पर जो है ना हमें एनकोडर स्टडी करना चाहिए था। देखिए एनकोडर जो है जाहिर है एनकोड करता है, जबकि दूसरे एंड पर डिकोड हो रहा है। जो चीज़ आपका एनकोडर एनकोड कर रहा है, दूसरे एंड पर वही रिवर्स बिल्कुल उसका ऑपोजिट काम हो रहा है। और यहाँ पर जो है ये 2^n इनपुट लाइंस होती हैं इसमें, यानी ज़्यादा इनपुट लाइंस होती हैं और कम आउटपुट लाइंस होती हैं। उसको अगर आप बिल्कुल ओपोजिट कर लें, जिस तरह यहाँ पे एक सर्कल देखें दिखाया गया, उसका बिल्कुल ओपोजिट, इसे हम कहते हैं 4x2 का इनकोडर। फोर इसके इनपुट्स हैं और दो आउटपुट्स हैं, 2^n। अगर सपोज इसी तरह से मैं 8x3 का भी इनकोडर बना सकता हूँ, तो अगर आपके पास एट लाइंस हैं लेफ्ट साइड पर, तो 2^3 हो जाएगा ये, ठीक है। और वही 3n यहाँ पर राइट साइड पर आ जाएगा, तो वो 3 में आपका इस तरह से इनकोड हो जाएगा, जबकि लेफ्ट साइड पर आपकी एक ही लाइन जो है वो एक्टिवेट होगी, एक वक्त में एक ही लाइन एक्टिवेट होगी, और कोई एक सिग्नल जनरेट होगा कोई एक, ठीक है, या कोई एक बल्ब ऑन होगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और उसके अगेंस्ट फिर आपका ए और बी का कोई कोड राइट साइड पर बाइनरी का जनरेट होगा, तो ये इस तरह से वर्क करेगा। इसी तरह इसका भी आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं 4x2 का, जबकि ये आपके पास चार इनपुट्स हैं और दो आपके पास इसके आउटपुट्स जनरेट हो रही हैं। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपकी बी आउटपुट अगर जनरेट होती है, तो फिर Q1 अगर 1 जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो फिर बी हमेशा हाई होगी, यानी बी का बल्ब ऑन हो जाएगा। और अगर ए को आपने हाई करना है, तो फिर आप Q3 का बल्ब या Q3 का सिग्नल आप जैसे देंगे, ए का बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है। जबकि अगर दोनों बल्ब आपने ऑन करने हैं, तो फिर आपका जस्ट Q3 काफ़ी है। देखिए आपको नज़र आ रहा है ना ऊपर, ये दोनों तरफ से लाइन उसकी आ रही हैं, दोनों गेट्स में आ रही हैं, तो ये यानी आपने अगर जब भी एनकोडर बनाना है 4x2 का, ठीक है, तो फिर आपको कितने गेट्स रिक्वायर्ड होंगे, आपको दो और गेट्स रिक्वायर्ड होंगे जस्ट। यही बात याद रखने वाली है, अक्सर आ जाता है एग्जाम में। अब देखें यहाँ पर ये ए इज इक्वल टू Q3+Q2 है, यानी ए तब हाई होगा जब Q3 भी हाई हो सकता है और Q2 भी हाई हो सकता है, फिर ही आपका ए जो है वो हाई होगा। जबकि बी हाई कब होगा, Q3 हाई है या फिर Q1 हाई है। और अगर आपके पास 8x3 का इनकोडर है, ठीक है, तो उसकी 8 लाइंस होंगी और 3 आउटपुट्स होंगी, यानी 8 लाइंस की इनपुट और 3 लाइंस की आउटपुट। और इसका ये होगा, इसकी ये ब्लॉक डायग्राम है, जबकि इसमें आपने किस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, तीन
और गेट्स हैं आपके पास, जबकि हर और गेट चार इनपुट्स वाला है, ठीक है, हर गेट चार इनपुट्स ले रहा है, जबकि तीन और गेट्स जो हैं वो काफ़ी हैं इस वाले स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। इसी तरह 3x8 का डिकोडर, थ्री इनपुट्स हैं और एट आउटपुट्स हैं आपके पास, और इसका ये स्ट्रक्चर है। जबकि 3x8 के डिकोडर को बनाने के लिए आपको कितने लॉजिक गेट्स रिक्वायर्ड हैं? आपको थ्री नॉट गेट्स रिक्वायर्ड हैं और एट एंड गेट्स रिक्वायर्ड हैं, जबकि हर एंड गेट थ्री इनपुट ले रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कुछ स्टैटिस्टिक्स याद कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब हम ज़रा एक्सप्लोर करते हैं फर्दर कुछ एमसीक्यूज। अ डिकोडर कन्वर्ट्स एन इनपुट्स टू, ऑब्वियसली टू रेज टू पावर एन, दैट इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनकोडर्स? एनकोडर के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं? अभी आपने देखा थ्री और गेट्स, ठीक है, एनकोडर्स को अगर आप बनाना है आपने तो तीन और गेट्स रिक्वायर्ड होंगे, चार चार इनपुट्स वाले। इट मीन्स दिस इज बी, एनकोडर्स आर मेड अप ऑफ थ्री और गेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड फॉर डिकोडर? आप डिकोडर यहाँ पे कौन से सर्किट से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? आप इसको कॉम्बिनेशनल सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं। द आंसर इज बी, कॉम्बिनेशनल सर्किट इन विच आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ इनपुट्स। डिकोडर इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम, डिकोडर आप किस तरह से बना सकते हैं? आई थिंक ये इन्वर्टर एंड एंड गेट्स अभी आपने देखा, जिसमें इन्वर्टर्स भी यूज़ हो रहे हैं। इन्वर्टर से मुराद जो नॉट गेट है उसे इन्वर्टर कहा जा रहा है, और एंड गेट्स भी यूज़ हो रहे हैं। तो ये हमारे पास सी क्लिक हो रहा है, लेट्स सी। यस दिस इज सी, दी सर्किट्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर इन्वर्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ नंबर ऑफ आउटपुट लाइन्स फॉर अ डिकोडर विद फोर इनपुट लाइन्स? आपका जो अगर फोर लाइन्स इनपुट लाइन्स का अगर डिकोडर है तो वो कितनी आउटपुट लाइन्स जो है वो जनरेट करेगा? टू रिज पावर फोर, द आंसर इज बी। डिकोडर्स एंड एनकोडर्स आर डूइंग रिवर्स ऑपरेशन, दैट इज वेरी ट्रू, द आंसर इज ए। हाउ इज एन इनकोडर डिफरेंट फ्रॉम अ डिकोडर? द आउटपुट ऑफ इनकोडर इज अ बाइनरी कोड ऑफ वन एंड वन ऑफ एन इनपुट। द आउटपुट ऑफ अ डिकोडर इज अ बाइनरी कोड फॉर, देखिए यहां पर जो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं उनमें से फर्स्ट क्लिक कर रही है। कैसे? आपने देखा इनकोडर की काफी सारी इनपुट्स होती हैं लेफ्ट साइड पर, जबकि राइट साइड पर चंद एक आउटपुट्स होती हैं। वही 8x3 के एग्जाम्पल ले लें आप, तो उसमें आप जबकि राइट साइड पर जो थ्री का कोड जनरेट हो रहा है वो क्या है? इनफैक्ट बाइनरी कोड है, जबकि लेफ्ट साइड पर सिग्नल्स हैं, इनपुट सिग्नल्स हैं, जबकि राइट साइड पर एक बाइनरी कोड जनरेट हो रहा है, ये उसकी बात कर रहा है। तो इसको वन टू एन कह सकते हैं, 1/n, ठीक है। तो ये उसी की बात, तो यहाँ पर एक क्लिक हो रहा है हमारे पास। द आंसर इज ए, एनकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट एनकोडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ एन पॉइंट लाइंस टू एन आउटपुट लाइंस, दस प्रोड्यूसिंग द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द इनपुट।